आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर द्वारा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर उनकी निजी संपत्ति के विषय में दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा है कि अजीत पवार द्वारा उनकी जमीन निजी बिल्डर्स को देने का प्रयास किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीत पवार को कार्यमुक्त करने की मांग की है। सरकार में भ्रष्ट व्यवस्था बनी हुई है, ये तो छुपा नहीं है। खुद ही देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के इरिगेशन का घपले की बात करते हैं और 8 दिन के बाद वो सब लोगों को मंत्रिमंडल में लेते हैं, तो उसके लिए अब ये भ्रष्ट व्यवस्था इस मंत्रिमंडल में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर ने जिस तरह से आज आरोप लगाया, और उनकी किताब में कल उन्होंने लिखा था कि एक दादा ने उस समय मुझे पुलिस की जमीन बिल्डर को बेचने के लिए कहा था, लेकिन हमने उस समय वो उसको बेचने नहीं दी, और आज उन्होंने खुलासा किया कि यही अजीत पवार तब पालक मंत्री थे और इनके वजह से वो जमीन बेचने की बात हुई थी। तो ये मतलब है कि ये सरकार में दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है, और इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की, और तब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अजीत पवार ने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है।